हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत। दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। मालती, अरे है सब छोड़ा, भले देखा तारा का दिकाल एल्बनी का कैसन बा। हटाई जल्दी हटाई, ये कौन रंग ले एल्बनी? हटाई जल्दी हटाई। अरे भगवान, हम तो बुलाए गल रही है, तारा रंग से बड़ा प्रॉब्लम होला। है लो फेंक दो, नहीं बिहान तारा का दी दूसरा साड़ी लिया। सोनी जी, हमके साड़ी वाली ना चाहिए, हमके गोल्ड मेडल चाहिए, गोल्ड मेडल। अच्छा काबिल मालती, देखा तानी बबुआ बड़ा बदमाश बा, लागत है ये रउआ की तरह धावक बनी है। अच्छा अब हमके कौनो चिंता नहीं के, रउआ हमके मेडल लाके ना दे तो हमके ले आके दी है। जीजा जी, जीजा जी, बबुआ, जीजा जी, देखी ना कितना सुंदर लागत है बबुआ। Thank you.
मालकिन, तू हमरा से गोल्ड मेडल मांग रहा लोग, ता देखा ना, हम तेरा कातरी गोल्ड मेडल जीत के ले अलवानी, बस एक बार आंखों के देखा, एक बार, जीजा जी संभाली अपने आप के मेडल तो हाथ एक रख तू ही रख ये हम तारा का दिल लेके सॉरी प्रताप अब ये गोल्ड मेडल तुम्हारा नहीं रहा तुम डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है और हां अब तुम जीवन भर नहीं दौड़ पाओगे क्या समझे ए बहनी ये बच्चा तो बहुत ही मनहूस बाप पैदा होते ही मायके खा गए और बाप के इज्जत बर्बाद कर देस ए प्रताप बाबू जोन विधि के विधान रहला तवन हो गए चला आरती की तैयारी कर ए मिठू बाबू ये बचवा से मायके चरण स्पर्श करवा दे जा रुक जा मिठू ले जाके कहीं नार पोखरा में फेंक दे मनहूस का तोड़ कर हमरा नजर से जीजा जी हाँ विश्वास के जहर दिल में मत खोली जीजा जी माई के मौत पे रोत रहे लेकिन बाप के परचाई पड़ला से मुस्कुरा रहल बा शायद ही सोच के कि बाप के छाया में माई के कबो कमी महसूस ना होई रउआ आपन जैसे बुद्धिजीवी लड़का के अपना से दूर करे चाहता नहीं मगर के मनहूस कहता नहीं हाँ मनहूस भाई जीजा जी बचन में भगवान बसेला चुप भगवान ना राक्षस भाई देख एक पैदा होते ही और मालती के आवाज करके काकर काकर अरे आज तो लगा था इंडिया मैच जीतिए जाए अरे हाईला मिठाई खाओ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर काफी मायूसी छाया हुआ है और मैदान में चारों तरफ इंडिया के ही झंडे लहरा रहे हैं रुक रुक अभी ना अभी एक रन बाकी बा अरे अब तो जीत जाई हो इंडिया हाय मिठाई खा रहे और कितना रोमांचक होता है राहुल का ये कवर ड्राइव और ये बॉल सीधे फील्डर के हाथ में इंडिया मिठैया कलन रुक काफी करीब लागत अब तो क्या करे पड़ी भाई धर धर माचिस बार माचिस लो माचिस ले धर कितना करीबी मामला था बाल बाल बचे हैं आउट होने से रोहित शर्मा और ये रोहित शर्मा का स्वीप शॉट और ये अरे दादा यो भी कटवा गए अरे जगन्नाथ पनौतिया कहीं भाग से ना गई बा अरे चाचा पनौतिया के छोड़ा हम तो का धोनी आए बा अरे जियो धोनी मारे चक्का पीला यो के विकेट गई ए बैला देखो ने कहीं पनौतिया तो ना छूट गई बा अरे जोर है जल्दी जाके दे हां रुको क्या देखा धोनी देखा धोनी हे भगवान हमारे इंडिया के जिता ही दिया हो अरे मोहम्मद अमीन का शानदार बाउंस और विराट अरे दादा अरे फिर आउट हो गई आउट हो गई चाचा पनौती भाग गई हो चाचा अरे भैया हमनी के लागत है पनौती यही कहीं बैठल बा तभी तो देखो पिकल पर पिकल गिरता अरे भैया ठीक से देखला कि ना हो पाकिस्तान ने बहुत ही रोचक और रोमांचक तरीके से मैच जीत लिया है और इस बार का टी20 वर्ल्ड कप जाता है पाकिस्तान ए चचा ये पनौतिया तो ये देखो
का रे तोरा के का जरूरत रहल ई मैच देख के तोरा के माना कहले रहनी नरे कल मुहा जावे के अरे तो मारा हुआ निकल के पकड़ लो इंडिया मैच हारी तो हम ही जिम्मेदार आज सब भंजाट खाता न जीएम न जिम्मेदार हो खब अरे अरे फांसी न लगा देख 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 हमार के सब यहाँ से चल जाए लेकिन तू फांसी न लगा नीचे उतर हट उठे बाल अरे रुक रुक जरा आगे क्या रुक 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 अरे आई अरे हाउ देखो हो उतना बिजदार सांप अरे इतना फांसी से बच गई बाकी सबवा काटी तई मरी जाई अरे काटेगा काट 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 असही हमार जिंदगी तड़फड़ाई रहता भागत भागत हमार सब कुछ फट गई बा काट काट अरे बाप रे बाप अरे है कितना बड़ा पनौतिया हरे एकरा के सांप काट लेला सांप मर गई लेकिन पनौतिया जस के तस बैठल बा अब एकरो जिम्मेदार हम ही बने रहे तोहरे चलते खाली हमनी के मिठाई और पड़ाका के पैसा बर्बाद होइल बा मैचवा ना देखले रहते तो तोरा बात के का जाइत रे अरे तो माने हम का कइले बनी रे हम यहाँ उड़ी खेला करता नहीं हम यहाँ पैर रहनी वो ठीक से ना खेले सता घेवड़ा जीती हसा सा चलो सने करा से बात कर बेकार बा चलो चलो, 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 चलो कुछ ना होई चलो चलो चलो, 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 चलो अपन अपन काम कर जा चलो अब रवो क्या खड़ा बनी रवो कुछ बोले के बाद तो बोल के जाई ना 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 बचवा कौन काम करेला माने गौवाल हमरा के काम धंधा कर दिए तो हम नु करब इ त दिन भर दौरा के रात भर हफा दे त सबले त भागम भाग सिनेमा बन गरे हमरा के लेके बचवा करोड़ों खर्च करके नया धंधा शुरू कइले बानी कल से काम पे आ जइह का बात करता नी हे प्रभु बहुत अच्छा काम मिलल बा अब डे बाय डे हमरा मालिक के बढ़ावले जब रहुआ बस इहे दुआ भरुआ से आज तो पूरा दुकान साफ हो जाई मालिक देखी तो इतना खुश होई ना कंट्रोल नहीं करत हमरा से आज इतना ना चमका देंगे ना कि तू बिल फेंका फेंका धुआं फेंक देबू वाह खेसारी वाह सर प्रणाम तू तो पूरा दुकाने चमका देगा सर कमाल है मेरा बख्शीश सक्सेस मिलेगा कि नहीं काहे ना इला सर आपने मुझको बख्शीश दिया है ना अब दिन चौगुना और रात दुना होने वाला है आपका जी जी चला काम करा नमस्कार मैं शांति प्रिया इंडिया टीवी न्यूज की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के मुख्य समाचार ये है कि कल यानी 1 अप्रैल से बिहार में पूर्ण रूप से शराब की पाबंदी लगा दी जाएगी कल से प्रदेश में हर प्रकार के शराब के ठेके बंद हो जाएंगे का भगवान दो बोतल दारू और 2000 रुपया से जीवन कट जाएगी उपनौती पनौती ससुर हमरे के बर्बाद कर देलसे पकड़ा सर एकरा के अरे मारा सर एकरा रे Hi everyone, myself Dhakan Panditayan.
हेलो, सही सलामत लैंडिंग हो गई। हाँ, थैंक यू हमारी जान बचाए खातिर। हाँ वो तो ठीक बोले कि इतना देर तक ले हम रोक नहीं पाएंगे इस पोजीशन को। एंट्री मर ले बच्ची। आदमी निमन नहीं है क्या? माटी के शरीर जे पाइब त मुसर है जैसन बोलब हो। माटी के शरीर जे पाइब त मुसर है जैसन बोलब हो। का मर दे बिना बाल के कहीं से माथा झारत रहेला। बबुआ बड़ा जल्दी आ गए ड्यूटी से। का करी, नौकरी के वैलिडिटी खत्म हो गई। छोटा रिचार्ज करो ले रहला का? अरे ना हो, रिचार्ज तो बड़े ही करो लेनी हो। लेकिन का कही, नीतीश जी पूरा टावरे उड़ा देहले। नीतीश जी? हाँ, बात ऐसा बा, काल से बिहार में दारू ना मिली। बाप रे बाप, दारू बंद हो जाई? हाँ। भगवान, हमार ब्लड के प्रेशर कैसे कंट्रोल होई? चिंता मत कर, तारा प्रेशर कुकर के तही दवाई ले आइल बनी। वाह भगिना वाह, तू चिंता जन करा, तुहार ऐसा जगह नौकरी सेट करब ना। हैप्पी 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 हो जाए। देखा ओके okay, पता बा आज हमार बर्थडे है और तोरा से ज्यादा केहू और को भी लगेला। हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एक काम करा, आई माथा झरल बंद करा, का कही के बेइज्जती होता। खजुआवे के काम में ले लेता नहीं। फिर त्याग ले जी बाबूजी, आज हमारा जन्मदिन है तो आज तक ले रहे हमारा जन्मदिन पर हमके कुछ नहीं की दे ले। इससे हम अपना जन्मदिन पर रवा खत कुछ लिखे आए बन। इससे कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा रवा खत ये बना तू
तके कितना बार कहनी ते अपनी मनहु सूरत हमरा के मत दिखावल कर, लेकिन तोरा तन को शर्म नहीं खे? अगर बाप के आशीर्वाद लेबे खातिर बेटा के बेशरम भी बने के पड़े ना तो बन जाए के चाहे। चुप। तोरा जैसन मनहु से तो अपन दे छुआल भी पाप हुई। तोरा बुझाता कि ते जिंदा बड़े लेकिन हमरा नजर में मर चुकल बड़े। हमारे वाला आदमी के जगह दिल में ना शमशान घाट में होके लगे। बाबूजी ऐसे विरवा प्यार दुल्हर के बिना हमारी जिंदगी शमशान हो गई। रौरा प्यार के बिना हमारा खुशी के चीता जलता खाली रवन की देख बहुत। तोर मनहूसियत हमरा के अंधा बना देले और मरते दम तक तोरी मनहूस चेहरा हम देखे के रह की चाह। निकल यहां से। लीना बाबूजी लीना। पंडित जी ना आएले का? ओ इमरजेंसी में बाबूजी के बनास जाए के पड़ल। ओ विधायक जी के पापा का श्राद्ध रहे। अच्छा अच्छा कौनो बात नहीं खे हम मानी नू। हाँ हाँ अब वैसे भी हम जहाँ पूजा कराते हैं वहाँ लक्ष्मी जी की बरसात होती है। चलिए शुरू हो जाइए। अरे हमारा मुंह क्या निहार रहे हैं? पूजा पर ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है। चलिए स्वाहा दक्षिणा दीजिए। ईका भगवानों से कंजूसी? अरे 501 नहीं तो 101 तो डालिए। अरे दे तानी पूजा तो करावा पहले। हाँ। क्या जमाना आ गया बताइए भगवान। अब भाई ना लाइए लाइए। हाँ अब शुरू हो रहा है मंत्र, ध्यान लगाइए। चलिए चलिए लाइए दक्षिणा दीजिए। का बबुनी खाली दक्षिणा लेवे खातिर मुंह खोलबू? मंत्र उच्चारण ना करबू का? मूर्खों को समझाने का हमारे पास टाइम नहीं है। लीजिए स्वाहा लाइए। आप लोग भी दक्षिणा दीजिए। अरे बहुत पुण्य मिलेगा दक्षिणा देने से। और कोई बाकी है? 84,00,000 के आवागमन से अपने आप को मुक्ति दिलाइए, दक्षिणा रखिए। लगता है भगवान से प्यार नहीं है आप लोगों को। क्या जमाना आ गया। चलिए चलिए पूजा संपन्न। जय सत्यनारायण भगवान। ए जी नून रोटी खाएंगे मगर इनसे पूजा कब वो न कराएंगे। जी प्रणाम। हमरा के मिठू मामा भेजले बड़े। अच्छा अच्छा मिठू भेजले बड़े। हाँ तो काम बढ़िया से को ले लेना। अरे का बात करता नहीं, जहाँ हम काम कर जाइले वो जी काम खत्म हो जाला। मतलब की फास्ट करी ले। अच्छा सुपर फास्ट। हाँ देखा ये जो मजदूर बड़े बहुत स्लो बड़े। हाँ ये काकर दिन भर बैठे रह ले। देखा क्यों को बैठा ना था ठीक। अरे का बात करता नहीं, आज से ही लो बैठी। काम अतना ना करा जब की घरे बैठ जाई लो। घरे बैठ के काम करी ले। अच्छा ठीक क्या चलता नहीं। अरे मालिक ये कोना पनौती के रख ले बनी, ये तो बहुत बड़ पनौती है। अरे पनौती नहीं के ये देखो कस्टमर की लाइन लग गई लकी बटे। अच्छा इस काम को रोको, इस काम को तुरंत रोको। किसानों का विवादित एरिया है, ऊपर से 12 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। ऐसा करो ऊपर से 2 माले गिरा दो और अगर हमने गिराए ना तो पैसे अलग से चार्ज करेंगे। चलिए ऑर्डर को फॉलो करिए। चलो निकलो सर। ऊपर से 2 महला गिराएंगे तो पैसा चार्ज करेंगे। हाँ। तो उससे अच्छा है ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। भासु। हाँ, हाँ। 2 महला नीचे से गिरा देता है, अपने आप चलाएगा नीचे। कुछ गलत बोल दिया का? केला खाइए सेहत ठीक रहेगा, तब तक हम 2 महला नीचे कबुलवा देते हैं। जयराम जी के पकड़ा, पकड़ा।
This is one and only Panditai. बड़ा लकी बाड़ा यार तू, हमके फिर से मुसीबत से बचा लेला। हाँ बचा लेनी। हाँ अगर तू सामने ना आयल रहता तो डाल तो हमरा ऊपर गिर जाए। अरे ना ना, तोहरा ऊपर कुछ गिरी नहीं खे सकत। बड़ा क्यूट बाड़ा, आई लाइक यू। थैंक यू। कहाँ जाएंगे बा? भिरगु पंडित की है, जाने लूं का के? भिरगु पंडित? हाँ चला, छोड़ देता नहीं। अरे ना ना, तो के बहुत दिकदारी हो जाए। अरे कौनो दिकदारी ना हुई, आवा शर्मा मत, चला छोड़ देता नहीं। अरे जजमान, बस तू इतना जान ला कि लड़का का कुंडली कमांडर बा तो लड़की का कुंडली मार्शल बा, एकदम आंख मूंद के ब्याह तय कदा ला। जी प्रणाम। आनंद रहा। बाप रे बाप, जौन पनौती से पूरा गांव भागेला ओकरे के लेके हमार बेटी घूमतिया, जरूर कोनो अनहोनी होखे वाला बा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। पंडित जी बात ऐसन बा के कुंडली के चुस्त दुरुस्त करे मेरा और बहुत नाम सुन ले बानी। ठीक सुन ले बड़ा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं हम। नाम? खेसारी। जन्म तिथि? 15/3/1996। तोहार कुंडली के जतरा बनावल संभव नहीं के, फिर भी देख लेता नहीं। देखी बाबा देखी, कोशिश करी ता नहीं। अरे बाप रे बाप, तोहार कुंडली बनावे में हमार ये पूरा पोथी जर गई। चल भाग यहां से, भाग। पंडित जी एक बार और कोशिश करी ना। अरे आपका हमार पूरा घरवा जरी बे। ए बेटी, तू एकरा चक्कर में मत पड़ा, नहीं तो पनौती के प्रकोप के चपेट में आ जाइबू। तो पंडित जी के बेटी हो? गोल लगता नहीं। छड़ा तू ना टेंशन मत ला, पापा तो खाली मंत्र के पुजारी हैं, हम तो तंत्र और मंत्र दोनों के पुजारी बानी। हाँ। अरे भूत बयार सोना टोटका ये सब तो मैं ऐसे ही ठीक कर देनी। तो अभी ये हो जाए कि अगला 10 साल इंतजार करे के परी? अरे नहीं, कल भोरे सूर्योदय से पहले कुर्ता पजामा पहन के नदी किनारे आ जाइया, तहार पनौती के अस्थि विसर्जन करा दे। लेकिन हमारा लगे पैजामा नहीं खे धोती बा। चली हाँ तो धोती पहन ला ना। हाँ हाँ ठीक बा, तो तू सोच जा हम सोच जाता नहीं, कल सवेरे मिल जाए। एकदम गोल लगता नहीं। This is one and only पंडिताई। पता नहीं कौवा आई कि ना आई, लागता अकेले ही गुटागु करे पड़ी हमरा। तुम्हा बुलाए थे, अभी आ रहे हो? नमस्ते। हाँ बात ऐसा है ना कि ठंडी में समझ में नहीं आता कब शाम हुआ कब सुबह। अरे चलो चलो, पनौती उतारना है ना। हाँ कपड़ा उतारो। कपड़ा उतारे? आप हमारा पनौती उतार रहे हैं कि हमारा परीक्षा ले रही है? अरे महाराज साफ गड़ासी हो क्या? कह रहे हैं ना कपड़ा उतारो और पानी में उतरो, चलो डुबकी लगाने का। बहुत ठंडा पानी होगा ना, देह कंडा हो जाएगा मेरा। नहीं होगा बुढ़ा, क्या भर पानी में डूबने का है। खाली मोड़िया डूबा के चले हैं, साले के एक बार देख लेते हैं। दिस इज वन एंड ओनली पंडिताई। मंत्र चालू हो गए बा, चला डुबकी लगावा। बहुत गहरा हो। अरे महाराज बुढ़ा किया भर पानी में तो जाएगी बा, चला औरी आगे जाओ। औरी? हाँ औरी। अभी करके कैसे बताई कि हमारा पौड़े ना आवेला। भाती। अरे महाराज मछली टैयावा तरका, मंत्र खत्म हो गए, चला जल्दी बहरी आवा। आवा
हम अंदर कुछ नहीं पहने थे पनौती उतारने के चक्कर में, धोती उतर गई, अब क्या आई। हे भगवान, ये तो डूबे लगले। अब क्या करी। अरे रुको रुको, अब ठीक बा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बा। काजी, ये धाकड़ बॉडी लेके पवड़े ना आवेला। तो बॉडी से पानी के का संबंध बा। तोरा का लगत, हम तो के डूबे दे। हाँ दिल नहीं लागा ना माई के घरे, आजा मैं तोहके धारे के मन कारे। दिल नहीं लागा ना माई के घरे, आजा मैं तोहके धारे के मन कारे। तब कहीं मीठे मीठे प्यार के सवाल मिलेगा। जवन चाह कर हमरा से जान, बियाह के बाद घंटी बजा दल पनौती। अरे तो तनी हमरो के टौराहा पर ले चल। तोरा के बैठाई उ अपना साइकिल पर। आजकल हमर पनौती खत्म हो गइल बा। हम ना बैठे हम अपना साइकिल पर तोरा के। ए बिना फीस के वकील, आजकल हम माटी छुतै न तब पाकी हो जाता। हम तोरा पर जाता नहीं कि तोरा के बैठाई कहां से? त कहां जाता रे? हम जात नहीं ढोंगू में। चल बे, अभी हमर टाइम नहीं, कहते हैं जो लेके हमरे कभी ले ले चल। अरे 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 चल 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 चल। अरे दादा नए ट्यूटर के बम बोल देलास रे, तोर पनौती घट गई बा की और बढ़ी गई बा। मनहूस नहीं कर पनौती।
प्रणाम जगन्नाथ बाबा। देखी अरे वो तो दुनिया के संकट के हरता है, हमरो पनौती हर ली बाबा। हे जगन्नाथ बाबा दया करी हम पे, दया करी। बालक जगन्नाथ बाबा। हाँ हम बोल रहे हैं। जय हो जगन्नाथ बाबा, जय हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है बालक। लेकिन हम कुछ चढ़ाए नहीं जगन्नाथ बाबा। देखिए प्रसन्न होने से काम नहीं चलेगा, फटाफट हमको पनौती से मुक्त कर दीजिए, परबनल परबनल हो रहा है। धीरज रखो बालक, अभी तुम्हारे पनौती का फाइल हमारे मेमोरी में लोड हो रहा है, जब हो जाएगा तो एंटीवायरस डालकर क्लीन कर देंगे। क्या बात है प्रभु, क्या बात है, आप भी मेमोरी इस्तेमाल करने लगे। जमाना हाईटेक हो रहा है बालक, टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो हर किसी को करना ही पड़ता है। तो हमारे पनौती का वायरस वा फिल्टर हुआ कि नहीं प्रभु? तुम्हारे वायरस को फिल्टर करने का पावर मैंने एक बालिका को दे रखा है। बालिका? हाँ उसका नाम माया है। माया से प्रेम कर लो, ऑटोमेटिक तुम्हारी पनौती की काया पलट हो जाएगी। हाँ तरह खूबे सलाह देता नहीं प्रभु जी, हम सोना छू देते तो पत्थर हो जाता, अगर माया के छू दे नहीं पाया हो गए तो कहाँ लेके ढोओ अब। मूर्ख बालक जी, हमारे आदेश का उल्लंघन मत करो, अति शीघ्र जाओ और माया को आई लव यू बोल कर आओ। हाँ प्रभु, ये बात हमको कुछ हजम नहीं हो रहा है, हम कंफ्यूज आ गए हैं। काहे? हमको तो लग रहा है हम गड़बड़ ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाने आ गए हैं, ब्रांच बदलना पड़ेगा। चुप रहा ए मूर्ख बालक, ब्रांच बदल लेने से तेरे पनौती का अकाउंट नहीं घट जाएगा। अगर तू सचमुच पनौती विहीन होना चाहता है तो तुझे माया से प्रेम करना ही पड़ेगा, उसे आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। तथास्तु। प्रभु प्रभु जगन्नाथ बाबा, नेटवर्क गायब हो गया क्या? हेलो जगन्नाथ बाबा, ठीक बा लेकिन हमके दर्शन तो दी बाबा। ठीक है बालक, हम तुम्हें दर्शन देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। जी बाबा। वाह जगन्नाथ बाबा वाह, आज तो चमत्कार पर चमत्कार करता नहीं रहूरा। प्रसाद के रूप में गुलाब के फूल हमके, अब तरुआ आदेश के पालन कर रही के परी हमके। अब ऐसे तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ गबड़ाइए जाता है, लेकिन हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि हम लाभ में सक्सेसफुल हो जाएं। चल रहे हैं बाबा, प्रणाम बाबा। हेलो। अरे तहर पनौती तो हम उतार चुकल बानी, फिर कहे आल बाड़ा? जगन्नाथ बाबा भेजले हैं, कहले हैं ना कि प्यार कलेमना तब पनौती उतर जाए। जगन्नाथ बाबा? हाँ। ओ, कैसे? आई लव यू। आई लव यू के मतलब जाना तड़ा? हाँ, तू हमार किडनी हम तहर फेफड़ा, तू हमार गुर्द हम तहर लीवर, अब जब तक जियेंगे तब तक मरेंगे, सॉरी जब तक जियेंगे प्यार करेंगे। बाबा बाबा पीछे का छुपा ले बड़ा, गुलाब के फूल है यो जगन्नाथ बाबा देले हैं। ई का सुहागरा तो देवा ले लो देदा।
के तुले गैलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना में दिलावा पानी के तुले गैलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना चमकेला धूप में लागेला छाटलिया पछोरल हो सूप में पानी के तुले गैलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना में दिलवा पानी के तुले गैलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना में देहिया के बनावट जवन कारीगर जोड़ले कहनी निकाले खाती कुछ न छोड़ले पानी के तुले गैलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना में दिलवा पानी के तुले गैलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना में आ गई छप्पन छोरी ये गुलगुली हमको थप्पड़ मार ले रहे तेकर घाटा का के ले रहे रे भैया एक करोट रसगुल्ला नहीं रसदार बा के मन रहे लेकिन पहले ही थप्पड़ मार के हमरा मूठ के पापड़ बना दिलस कौनो बात ना रे चलो क्लेरस अरे बाप रे बाप हमरा तो बुझात लग की मेरा रू सॉफ्टवेयर भी है लेकिन तो हार्डवेयर भी है अब लड़कियों को कमजोर मत समझना तुम सुअर की औलाद हो तो हम फौलाद हैं ज्यादा फड़फड़ाओगे ना तो फाड़ दिए जाओगे चल हम फाटे के तैयार बनी फाड़ के दिखावा ए बेटा हम पंडित हैं जियो तो खानी और मर तो खानी और जरूरत पड़ला पर मार के भी खानी हमरा से पंगा लेबा ना तो नंगा करके मारब अब नंगा तो हम तोरा के करब रे ई मामला गंभीर रूप में ढुक गई बा लेकिन निकली कैसे का करत रह ते कौन हो रे चला ने आओ बताओ तन हम एगो मरीज है तो भाग जो ना तो तोरो इलाज कर दे देखा हमारी इलाज भई बा अपना इलाज के सोचा लो मतलब ये कि अरे भाग ऐसे नहीं आते जल्दी भागो चल एहिरो ऐसे का बोल देला के काटे वाला कुकुर भाग गई ला पोछे ला के अरे तो छोड़ा ना ऐसा का मतलब गड़ल भूत खड़ला से कोनो फायदा बा अहिंसा परमो धरा ना
हमके जाने के बाद बतावा। अरे जोन भइल तोन हो गइल, आखिर काम खत्म हो गइल ना? ना तोरा के हमार क्रिया मटियावा मत। यह तो कहानी है का कि तोरा एड्स बा। डरपोक फिसड्डी, मार पीट के डर से हमरा के एड्स के रोगी बना देला। तोरा तो कहवेला रउआ के इतना बढ़िया रिश्ता कब्बो ना मिली। हाँ पंडित जी, लेकिन अब जल्दी से लड़का के तो बुलाई। अरे जजमान, इतना एंटीक बुलेट लड़का तोहरा सामने बा। अरे ये ना हम गोधन बबुआ। लड़का तो तनी उमरदार लगा था। अरे पंडित जी, तनी उमरदार नहीं थे, तो ढेर उमरदार। अरे जजमान, मंगनी के बछिया के दांत ना गिनल जाला। अरे लड़का 10 बीघा का अकेले मालिक बा, लड़की राज भोगी राज। हे भगवान, अब के हमरे माथे मऊ चढ़ाई दा, 1 किलो पेड़ा चढ़ाई तोरा के। पंडित जी, अगर रउआ लोगन के सलाह मसौरा हो गल होके तो तनी हमहू को बताई। अब बतावे के का जरूरत बा, लड़का लड़की के कुंडली एकदम बराबर बैठल बा। आदेश करी तो शादी का मुहूर्त निकाली। चले मुंह मीठा करी। मुबारक हो, फाइनली तर भी आता हो गई, बहुत खुशी के बाद बा। भगवान से प्रार्थना करे कि दोबारा तोर मिर्गी कबो मत उठते। रुकवाएगा का रे? का कइले रहते? अब हमके का पता रहलो कि हमार प्रार्थना इतना जल्दी कबूल हो जाई। जूता तो ना हो तेरा के। अरे पापा, एकरा तो मिर्गी आवत बा। कहो पंडित, अरे तू तो हमार लड़की के जिंदगी चौपट कर दे रहला। ना होई बिया, चल उठे मिठाई खाते रे, आई जा चल। ये लड़का जब तक गांव में रही केहू के हरदी ना लगी, अब एकर फैसला पंचायत में होई। मुखिया जी, हमार लड़का शादी के बिना एकदम भंकर रहल बा। बड़े भाग सुभाग से दरवाजे पर देख नहरू चढ़ रहले सन, शादी लग गई रहे, मगर ई मनहूस के कारण शादी कट गई। ई पनौतिया जब ले गांव में रही ना, तब तक लकड़ी के खपड़ी लागले रही आ पूरा गांव में पनौती फैला रही। अगर गांव के भलाई चाहत नहीं मुखिया जी, तो ई पनौतिया के तड़ीपार कर दे और निकाल फेंकी गांव से। ए मुखिया जी, आज ही पंचायत में फैसला होके के चाही, कहे कि ई पनौतिया के खातिर ना ई गांव का कोनो विकास होला और ना कुछ होला। या तो ई गांव में रही या तो हम लोग रहो। अरे ऐसा कैसे गांव से निकाल दी है हमरे भगना के? केहू के छाती पे बैठ के मुंह थोड़ा दर तक न केहू के कमाई खाता, निकाल दी हमारे भगने। मिठू जी चुप रही, मुखिया जी इनके देखी, ए पनौतिया के पाले पोसे से इनकर तो शादी भइल नहीं, तो हम लइका लइकनवा के कैसे शादी होई? हटन त ए उम्र में बियाह न करती त का होई? गधा चढ़े के उम्र में घोड़ा चढ़ावा तारा। अच्छा ठीक बा, बियाहवा हमरा वजह से कटल है, अब बीमारी आए कर मिर्गी हमरे वजह से आइल है, बीमारी के घर पैदा के ले बड़ा। क्या बताए सब लोग सुनिए, किसी को उसके घर से बाहर निकाल देने का अधिकार तो सरकार के पास भी नहीं है, इसलिए ये पंचायत फैसला ले रही है। जब तक लगन का टाइम है तब तक खेसारी इस गांव से बाहर रहेगा। आप लोग शांत हो जाइए, हम बात कर रहे हैं ना, शांत हो जाइए आप लोग। अरे मिट्टू मामा, आपसे दरखास्त है, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, इसी में हम गांव वालों की भलाई है। ए भगना, एक काम करेंगे, कहीं और चलेंगे। कहाँ चल जाए? चला कहीं सर्कस देखल जाए, सेफ जगह बा। चल भगना, जोन ते कहबे तो रहल ले, खेसारी के दाल बेचल है जी। बेचा तो नहीं किया चाहता रे, बेचा। ए भगना, शैंपू ले आओ रे, बहुत मैल बैठ गई बा, कहाँ चल गई रे? ला ई का ई हंडन सोंडन के बड़ा पाउच।
लगावला से बाल उगेला। अच्छा हाँ ए भागीना आ तनी तनी हमरो शंका होता कि सिर्फ शैम्पूए लागी कि हरदियो कबो लागी आ कहीं तोरे पनौती के चक्कर में मोर मर्दानगी तो ना गड़बड़ा जाई। ऐसे जीवन भर हम रेड़ुआ रही जाप का मामा। हाँ अगर हल्दी के पूरा मंडी तरह देह में लाग जाई तब तरह के उपाय ना होई। आ? बुझा गईल। हाँ अब देखो हम गांव छोड़ के जाता नहीं। हाँ लगन जागिए गिल बा अब तू अपन भड़ुआ गिरी ना रड़ुआ गिरी सुधार लिया। हाँ ठीक बा। हाँ वैसे भी हमारा के दुई आदमी बाजे पनौती ना मानेला के एगो माया। हाँ आओ एगो मनोज भाई। अच्छा और वही लगे लगे जाता नहीं हम। हाँ और बहुत जल्दी हम आ जाए। सुना ना आ बल्टिया भर दे और पूरा दो बाल्टी पानी भर दे ले बनी मामा। हाँ नहा दो के आराम से तू रहिया और अपन ख्याल रखिया ठीक बा। भागीना तोरी याद बहुत आई। हाँ पता बा हमरो बहुत आई। ए भागीना भागीना अरे कहाँ चल गए ले रे। अरे ससुर केरा गंजा तो बना दे ले बाड़े अब रेड़ुओ को नहीं बेका। अरे ये भागीना साफ डिटियाए गए हो का दरवाजा काहे पीट रहे हो। चलो जाओ यहाँ से हमें कुछ नहीं खरीदना वरीदना। अरे रुकिए हम सेक्समैन सेल्समैन नहीं है अतरा पड़पड़ा कह रही हैं। हम जेंटलमैन हैं। ये मनोज भाई का घर है ना और आप कौन है। हमारा छोड़िए आप अपना परिचय दीजिए। हम खेसारी। अरे खेसारी अरवा चाउर पुरान ढकनी आवेले गरेर बाबा बाबा बाबा। अरे का देखा तारू ऐसे ये खेसारी हमें हमारे पुरान मित्र जा चाय और बनावा। आवा 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 और बतावा खेसारी का हाल चाल बा। बहुत बढ़िया वो लंबा कहानी बा वो सब मत पूछा यार हमरा से। भाई जी ई के हा। अरे ई तुहार होखे वाली भाभी आम्रपाली है। होखे वाली भाभी। हाँ होखे वाली भाभी तारा साथे बाड़ी समझ में नहीं खाओ थम के। अरे अब है लिव इन रिलेशन में बानी हमान। लिव लिव रिलेशन मतलब। अरे ये सब शहर में चलेला और बतावा का हाल चाल बा। शहर में चलेला। हाँ ई गोवा में कब स्टार्ट हो जाए। अरे जब हुई तब हुई हमनी के शादी के जिम्मेदारी अब तोहें के उठावे के पड़ी। का भगवान कैसन कैसन कॉन्टेक्ट हमरा के देता रह तू वही के चलते तो गांव से निकालल गई बनी। यह घर छोड़वाइबा का औसने लगता। अरे कहाँ ना अभी शादी मत कर तू। हाँ काहे अब की के बड़ा खाचड़ा लगन बा मर्द के रहा। शादी तो तय हो जाता मंडप तक बारात जात जात तलाक हो जाता। तो हार मजाक करे के आदत अभी ले छूटा। मैंने यो मजाक के लगता तेरा का प्रभु लगता तेरा का प्रभु। पीड़ा से बड़ा पसंद बनी हम सोचनिया कि शहर आई तहरा लगे आ दो तीन महीना रह जाए काजी। नमस्ते और यही जी रह के कौन काम धंधा करब। काम धंधा चला यो बात तो आप पक्का करा देता नहीं। भौजी के हाथ के खानो खाई के मिली काजी। नमस्ते टाइम से किया देर सवेरे खाली हम नाश्ता में मारी ले। मजाकिया बड़ा बचपन बचपने से ही जाने ले। ये फैक्ट्री आ गई का हो गेट खोला 10 बज गए। सरकार द्वारा फैक्ट्री बंद करे के आदेश आ गई बा। का समाचार और पेपर नहीं खा देखत का जाए यहाँ से। इतना हमरा बुझाते नहीं क्या हमरा से पहले हमर किस्मत पहुंच जाता। कैसे अब बताओ कहीं नोट बंद कहीं प्लास्टिक बंद कहीं दारू बंद कहीं कुछ बंद ऐसे हुई तो बेरोजगारी का रैली निकाले के पड़ी। यह सरकार बेरोजगारी तो बढ़ावा था अब का होई। अरे बाप सब सत्यानाश हो गई बा भैया। सोचले रहली कि नौकरी के फंड से पैसा उठा के और धूमधाम से शादी करती लेकिन साला जिंदगी झंड हो गई भैया। भाई ऐसा तो नहीं खेनो की नौकरी छुटला के दोषी हमारा के बनेबा। अरे ना भाई अरे नौकरी के का नौकरी दूसर मिल जाए। आम्रपाली से कहम कि वो आपन कंपनी से फंड लेके शादी तो धूमे दाम से। अरे बिल्कुल है हम भानी ना ई कहा देखा देखा
मेरे प्यारे मनोज, मैं अपने बॉस के साथ लंदन जा रही हूँ और वहीं पे हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम मेरा इंतजार मत करना भैया। लिवली रिलेशन कैपेबिलिटी बड़ा कॉम्बा हो। अरे लूट गई, बर्बाद हो गई रे। ते सच में पनौती बड़ी नौकरी बिगैल और छोकरी बिगैल। चल 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 चल, भाग यहाँ से तू हमारे घर से। भाई हमार दोस्ती। अरे दोस्ती गैल तेल लेवे, जान रही तब ना दोस्ती नहीं भाई। लेकिन इस सब का हूँ मनोज बाबू, का बात बा, बड़ा टेंशन में बुझाता नहीं रहुआ। ठीक सब कुछ कुशल मंगल बानू। सब 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 ठीक बा। बानू सब 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 ठीक बा। का बात करता नहीं महाराज। इनकर कहे के मतलब है कि वो अपने बॉस के साथ बाहर गई। ओह ए बाबू, याद बानू आज हमरा बेटी के मटकोर आई है, आवे के बा का। हे भगवान, एक बारी भैया। अरे आज के दिन हम कैसे भुला सकेला, आज ही के दिन तो हमार माटी कोड़ा के घूरा पे फेकाई ला। हाँ हाँ एक नंबर। अच्छा ठीक बा, चलो तनी और रउआ सबके आवे के बा और आए जरूर। अरे का बात करता नी चाचा, हमनी के एकदम आए सब। चार दिन फालतू रहे सब, हमनी के कौनो काम धंधा दुनदमी के जिम्मे। एकदम चिंता मत करी, भगवान से प्रार्थना करी कि बियाह ठीक ठाक से हो जा। हाँ ठीक है जाए, बांस उस काट ले बढ़िया से। मेरी वाली मस्त है, दू को रखने में बहुत कोसता है। मेरी वाली मस्त है, मेरी वाली मस्त है, मेरी वाली मस्त है, मस्त है, मस्त है, मेरी वाली मस्त है। तरफ से बात ये स्पष्ट है। मेरी वाली मस्त है, मेरी वाली मस्त है, तू को रखने में बहुत बस्ट है। मेरी वाली मस्त है, मेरी वाली मस्त है, बॉडी शॉडी देख के तेरी दिल ये हरता है, तेरे संग कुछ कुछ करने को मन मेरा करता है। Yeah.
मेरी वाली मस्त है, मेरी वाली मस्त है, दोबारा खाना मैं बहुत बतौलू हो ना तू यहाँ कैसे? कहे कबाब में हड्डी बन देने का? फालतू की बात मत करा, बताओ यहाँ कैसे आलू हो? अरे जेकर शादी होता ना सुमन ये हमारी सहेली है। अच्छा ये बतावा यहाँ कबले डेरा जमले रही? अरे साल के आखिरी लगन है, चिंता मत करा बहुत जल्दी आ जाए। हे भगवान इस शादी तो अच्छा से हो गई, लागत हमारे पनौती के प्रकोप उतर गए, अब शायद बाबूजी के भी आशीर्वाद मिल जा। काहे खेलू मैं जब छोड़ के चाही की रहे ते दुनिया में हमके लेके काहे खती आलू? कितना कलंकित जिंदगी जिया था बता बताओ के। अगर एहसास बाना तो चला हमरा साथे, तू अगर साथे रह बुना तो दुनिया के हर तकलीफ खुशी खुशी साले। आशीर्वाद तो कब हमके ना मिला, लेकिन छूटा लेके जाता है। अब एकरे के छूके रु आशीर्वाद के महसूस कर ले। जीर वही का कहता नहीं? चुप! अभी हम बताता नहीं। ए, ए सुने लगी ना? रई लूटा रहा हमार घर लूट के भागता। चोर! बाबूजी। ए लगी ना? ए मेरे लगी ना क्या कर? चोर! घर लूट के भागता हमार। काहे मारा ताला सनी बेचारा के? अरे मुखिया जी चोर के मारल ना जैसे का आरती उतारल जाई। कौन कहा था कि चोर हा? चाचा बोल ले हा? अरे अभागा ससुर इपिया कड़वा के बाद में आ गई। अरे कौन सा धन भरल बैकरा घर में जे चोराई? एकर बेटा है समझला, चला भागा यहाँ से। तारे पापी दारू पी पी के पेट ना भरल त अपन औलाद के खून के प्यासा हो गई ले? छी हाँ तू बड़का धर्मात्मा हुआ। मनहूस से तो पैदा होते ही हमर मालती के तो खा गई ले, तो कर फोटो ले जाके का कर मेरे बहुजी? ये गो फोटो बा जड़ा में हम रउरा और माई एक साथ है बानी जा। बाऊची
हम रोलों के देख देख के चीले लेकिन वादा करा था अब कबूल हुआ के दुख दर्द ना दे हमरा के दुनिया के सबसे बड़ा दर्द तेले पड़े अब हम दर्द बने के नाटक मत कर हम दर्दी हमारा खून में बाबाऊ जी कहे कि हम हूँ राउरे बेटा है यदि हमारा खून ना तब बाईस तेरा इससे कलंक है जाना के मौत भी अपना गला लगावे से इनकार कर डाला एक बार हमके गले लगा के देखी भाऊ जी शायद मौत हमके गले लगा ले और राहुरी इच्छा पूरा हो जाए भाऊ जी भगवान राम के 14 बरस में घर वापसी हो गई रहे लेकिन हमार वापसी कब हुई भाऊ जी कब हुई चुप ये भगवान रहले ते मन होश बाड़े ऐसा गुनाह कैले बाड़े जोना के हमरा नजर में कोनो माफी नहीं के अगर सकल देखल गुनाह बाना तब पैदा होता नमक चटा के कहने मार देनी अगर रो बड़ा ना मरनी तब ही केला दबा के मार दी हमार तो मर जाओ जो क्रिकेट फट के मर जाओ लेकिन आज के बाद अगर अपन मुनहू सकल हमरा के दिखाओली तो हम अपना आप के मार दे ना बाऊ जी और ये को बात याद रख कि अगर तोरा जीते जी हम मर गएंगी तो भले हमार लाश के कुकुर सियार नोच नोच के खैया सन लेकिन ते हमार अंतिम संस्कार ना करबे हमार चिता के हक तोरा हाथ से ना लगी याद रख निकल रुआ कोसी से हजारों साल जी भाऊ जी ये हम भगवान से प्रार्थना करब और हाँ आज के बाद से ही मनुष्य सकल हम रुआ के कबो ना देखा कबो ना आपकी फिल्म लौटेगी एक छोटे से ब्रेक से इस ऐप में आप हैं सर टाइम देखिए टाइम क्या देखूं विराट एक सेकंड लेट हो क्या सर एक बार सही से देखिए तुम लेट हो विराट और ये लेट लतीफी तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सर आप टाइमर हो और मैं टाइम आप विसिल बजाते हो और मैं दौड़ता हूं सर आपका तो खून ठंडा हो चुका है और मेरा खून अभी गर्म होना शुरू हुआ है आपको मुझे ट्रेन करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं लेकिन मेरे लाइफ में बहुत सारा काम है एक बात कहूं सर मुझे इंडिया का नंबर वन धावक ही नहीं बनना लाइफ में एंजॉय भी करना है समझ गए सर समझने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है विराट जिस प्रकार पहले के साधु महात्मा अपनी दैवी शक्तियों को हासिल करने के लिए कठोर तपस्या और त्याग किया करते थे उसी प्रकार हर एक खिलाड़ी को अपनी मंजिल को पाने के लिए कठोर तपस्या और त्याग करना पड़ता है तुम सोच लो तुम्हें लाइफ एंजॉय करनी है या तपस्या सर लेक्चर देना बंद कीजिए आप सिर्फ अपने पेमेंट पर ध्यान रखिए ठीक है मेरे पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिए ठीक है यह आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा गुड बाय हमके ना कभी कभी डाउट होता तू हमरा से सही में प्यार करेला कि खाली फोकसबाजी करेला ई हमार झूठा बा यही तो प्यार है पगली समझ जाओ
जूठा आइसक्रीम खेला से प्यार साबित होला तब कब जहर खा ले तब साबित होई ए तूना सर अच्छा लगो त तहरा प्यार के पावर टेस्ट करे खातिर टेस्टर मिल गई मतलब ए चिरकोट अरे ई त एटसिया ही अरे हां हो भैया ई हमरा काहे बुलावतिया लगा था तोरो के एड्स धरावे के मूड में बाड़ी बाप रे बाप जल्दी निकला सा नहीं यहाँ चलो 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 सन जल्दी यहाँ से डरा गई ले का ए मैडम एड्स जानलेवा बीमारी हो कृपया दूरी बनाए रखें हमार थ्रो के पावर से पता चल गई होई कि हमरा कौनो बीमारी नहीं है ओ तो खेसारी तोरा के उल्लू बनवले रहले उल्लू जालो ना भाई काई का फेरा में परल बड़ा लो आज एक्शन फिल्म देखे के मूड में बाड़ी तब तो बेटा एक्शन जरूर होई आ तोहार हड्डी पसलियों टूटी होनी कौन होनी करने वाला नाम है मेरा खेसारी भांजबा का भांज बड़ा का है मर कुछ ना बिगड़ल तो तोरा छोड़ी से का होई रे मार मार और तेहु हु कहिए के जइबे हां आ एंगना जीबे आओ ए भैया हमरा के मत मारा ओके मिल गेल प्रसाद हमरा के मिल गेल मत मारा टाइम से खो मिल गेल शांति ठंडा गेलू अभी ये तो हमार मिजाज कर माहिल बा अभी तो तहरा प्यार में जलना बाकी बा प्यारे Thank you.
हमरा प्यार के ककहरा एही में मेहर के सुख मिली तहरा तो सुनाओ सुनो ये जान हमरा प्यार के ककहरा एही में मेहर के सुख मिली तहरा बस कमाए देखो से खियाए बस से कोड़ो दबाई बहो घर से घर में घुसल रह छोड़ा के ना बाहर जाई बहो से घर में घुसल रहब छोड़ के ना बाहर जाई बहो डारलिंग ढसे धाक भगाई बहो हंस खरबे में घुसल रहब छोड़ के ना बाहर जाई बहो भर के करे जा तो हके सुताई बहो हसे घर में घुसल रहब छोड़ के ना बाहर जाई बहो धाम की फिल्म लौटेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अरे सर पता ना कौन टेक्निक से मर ले बा टेक्निक इलाज करत करत हम अपन डॉक्टर ही बुला गए कौन रे अरे पनौती पनौती हाँ भाई जी गांव जवार में पनौती के नाम से मशहूर बाबू ससुरा आ नाम है खेसारी सरवा बहुत विचित्र मार मरले बा हमके आई हो दादा जितना विचित्र मार मरले बा ना ओकरो से विचित्र मौत मरी चलो सर विराट तुमने कल 22 सेकंड लिया था अब 2 सेकंड कम करके 20 सेकंड में आना है अगर तुम चाहते हो कि स्टेट लेवल के रिकॉर्ड को बीट कर सको गुड गुड आर यू रेडी विराट चल भाग के सारी चल भाग के सारी भाग भाग चल भाग के सारी भाग रेस का असली घोड़ा तो ये है मैं किस गधे को दौड़ा रहा हूँ रुक 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 सर आज टाइम देखिए तुम्हारा टाइम खत्म विराट इंसान को शान से जीने के लिए पैसों से ज्यादा इज्जत की आवश्यकता पड़ती है और हाँ हमारी सेहत कैसे ठीक रहेगी ये हमें मालूम चल चुका है बेहतर होगा तुम अपने लिए दूसरा कोच ढूंढ लो ए कोच
तेवर तो हम अपना बाप के भी बर्दाश्त खरी ले। तू कौन खेत के मूली हवे, चल जाए ऐसे। भाई तोहरा खातिर दूसर को चाहिए, एकरा ले बढ़िया। जी भैया। सुनो भैया, वो तेज दौड़ने वाले लड़के का घर जानते हो? हम नहीं की जानत भाई। हाँ सुनो बाबू, मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ। बोला। नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो लड़का बहुत तेज दौड़ता है, इतना ही जानता हूँ। अरे हो गए सत्यानाश। क्या हुआ? ए भाग मर्दे, ऐसा आदमी के नाम ले ले कि सबसे खराब पतवे खुल गए। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? कहल ही चाहत नहीं कि जोन पनौती से पूरा समाज डरेला, दूर भागेला, ओकरे गले लगाए चाहत रह। आए तोहरो कोनो अंतिम यात्रा निकलले बा का पनौती? देखो मजाक मत करो, अगर तुम लोगों को पता नहीं बताना है तो मुझे उसका नाम बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओकर नाम खेसारी है। जा जा जा। तो फिर तुम लोग पनौती पनौती क्यों बोल रहे हो उसको? देखो भैया, जब पहले गांव में बच्चा रोत रहे तो माई कहत रहे सूत जो नंदा का बरवाज है। अब जब बच्चा ना सूतला ना तो माई कहले सूत जो रे सूत जो ना तो पनौती आ जाए। काहे चिरकुट, काहे सारी फादी को परेशान करता रहा? जा जा ये पंडिता ने मंदिर की घंटी बजावा। ए ऐसन कान के नीचे देव ना कि लागी घर घंटा बाजे, बुझला? ए फुलन दबिया संगे मुंह लगा के कोनो फायदा नहीं के, चलो उठाओ जा। हाँ चलो चलो, चलो। हाँ। जब देखा मंडली बैठा के खिलत रहला, हटा। हम के बतावा का बात बा? मुझे खेसारी से मुलाकात करनी है, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ का काम बा? मैं भूतपूर्व एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट रनर हूँ। मतलब धावक है? हाँ, और मैं उसे भी एक प्रतिभावान धावक बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए मैं लेकर चलती हूँ। चलो और बताओ उसके बारे में। अरे बहुत अच्छा धावक है, दौड़ता तो है ही, इंसान भी बहुत अच्छा है। बस बस यहीं से यहीं। हाँ अरे एकदम सीधा चलते जाइए। अरे लड़की जो ना प्यार को सीरियस लेती है, सब में से नबे को धोखा देती है। ये भगीना बन गई से किलिया, एकदम फाइन हो गई, अब चढ़ते चैन ना उतरे। अरे वाह भगीना, देखा खेसारी हम केकरा के लाल बानी? ई के हो? ई हवन अमरेंद्र जी, नेशनल कोच। हां बस को सुल्लर नहीं है, थ्री टायर को सुल्लर नहीं है, एसी को सुल्लर नहीं है, नया कोच करबा मजाक। ई दौड़े वाला के सिखावे लन कि कैसे दौड़ल जाला। हां लेकिन हम तो सही दौड़ी ले। हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि तुम देश के लिए दौड़ो। सर आपको कोई कंफ्यूजन हो गया है, दरअसल में हम दौड़ते नहीं है, गांव वाला मिलकर हमको दौड़ाता है। देखो खेसारी, अगर तुम अपनी मजबूरी में इतना तेज दौड़ सकते हो तो सोचो, एक मकसद और अपने नाम से वो सब पनौतीपन का धब्बा हटाने के लिए तुम्हें मौका दिया जाए दौड़ने का तो तुम कितना तेज दौड़ सकते हो? सर आपको कोई गलत फहमी हो गया है, बात ऐसा है ना कि हमारा पनौतीपन का साया जिस पे पड़ जाता है ना, वो पलांटी पे पलांटी मारने लगता है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पनौतीपन का साया आप पे पड़े और आप भी पलांटी मारने लगे। देखिए सर, आपको मेरे बारे में पता करना है तो एक बार गांव में घूम लीजिए, मेरे चलते कम से कम 6 सरनाड़ुआ घूम रहे हैं। उसका एग्जाम्पल दिस इज माई के भाई मामा। चुप कर मर्दवा, बड़ा भाग से किस्मत चल के घर आइल बा, तू ओके ठुकराओ तारा। ये बबुआ ये मौका बा ना पूरे जवार के साबित करके दिखा दे कि तू पनौती ना पड़ा। तू अपन पैर के रफ्तार के धार से अंधविश्वास के जड़ से काट के फेंक सकेला खेसारी। अरे रह दा, गेहूं काटे वाला आदमी से लग लू विश्वास कटवावे। अच्छा ये बताओ नेशनल लेवल होला का? अरे भारत वर्ष का लेवल। अरे रह दा पता बा हमके, ये बताओ नेशनल लेवल के आदमी गांव के लेवल पे आ गई ले, आई हमारे साथे रहे लगे हैं तो कमना लेवल पर जाई है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो खेसारी, और यकीन मानो अगर तुमने मेरी बात मानी ना, एक दिन कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। शाबाश, बहुत अच्छा। तुम्हारे एक्सरसाइज करने को देखकर लगता है कि तुम्हें स्टेमिना और ताकत की कमी नहीं है, दौड़ते भी अच्छा हो। चलो आज तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ जो कि तुम्हारे दौड़ने में और मदद करेगी, ठीक है? जी। देखो दौड़ते टाइम तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा, बंद नहीं रहना, क्योंकि देखो दौड़ोगे ये हाथ खुले रहेंगे। चलो दौड़ो, चलो
चल भाग खेसारी, भाग भाग चल भाग खेसारी, चल भाग खेसारी, भाग भाग चल भाग खेसारी भाग। गुड, बहुत बढ़िया, गुड। ओ नो, अरे अभी आप यही हैं? हम तो सोचे थे कि आप संन्यास लेके हिमालय चले गए होंगे। हिमालय पर तो जाना ही है विराट, शिखर पर झंडा जो फहराना है। सपने देखने पर पाबंदी थोड़ी ही है सर, आपको मान लेना चाहिए कि आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है। बोलने को कुछ भी बोल सकते हो विराट, लेकिन मेरे हौसले और जुनून अभी भी मजबूत हैं। ओ नो, तो ये है, है? तो ये है आपकी हिम्मत, ये तिरंगा फहराएगा। मैं अपनी बेइज्जती सह लूंगा, तिरंगे का अपमान न कर, तेरा लहू जिगर पी जाऊंगा, खुद पे इतना अभिमान न कर। ये पनौती चूहों की तरह भागता पीटा था, राज शेर की तरह दहाड़ रहा है। ये शेर सिर्फ दहाड़ेगा नहीं, उन कुत्तों का शिकार भी करेगा जो आवारा और बदतमीज हैं। ये तो वक्त बताएगा। इन्हें आप जानते हैं? ये हमारे विक्रम सर हैं, इंडिया के टॉप 10 कोचों में से एक। अच्छी तरह जानता हूं। और हम कौन है? स्टेट लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट। और ये ये पनौती हाँ अभी तो इस जमीन पर कदम रखा है, मेरे तक पहुंचने में इसको कई जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं खेसारी, इस बदतमीज का जवाब जबान से नहीं, इसके गुरूर को रौंद कर देना होगा। बताइए मिस्टर रमरिंदर, सिलेक्शन कमिटी का मीटिंग आपने क्यों रखा है? सर, मैंने देश के कोयले की खदानों से एक ऐसे हीरे को ढूंढ के निकाला है जो हमारे देश का आगरा कोहिनूर साबित हो सकता है, क्योंकि खुद मैंने उसे तराशा है। अरे उस हीरे का नाम तो बता दीजिए। खेसारी लाल यादव। और जरा ये भी बता दीजिए, वो स्कूल लेवल का धावक है या कॉलेज लेवल का? वो तो पनौती लेवल का धावक है सर। अच्छा, इसका मतलब आप भी उसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर। ये लोग सिर्फ उसे जानते हैं और मैं उसे पहचानता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि उसको होने वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल के दौड़ में एक मौका दिया जाए। मिस्टर अमरेंद्र, रेस में तो घोड़े दौड़ा करते हैं, आपने तो गधा पाल रखा है। खैर, सबका अपना अपना अलग नजरिया होता है। अक्सर लोग शेर को गधा समझ लेते हैं और खच्चर को घोड़ा। खच्चर घोड़ा एक जैसे दिखते हैं ना सर। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप खेसारी को दौड़ाकर उसका टेस्ट क्यों नहीं ले लेते? खेसारी जी, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। ओके जी, गुड। देखो ना पहले लगातार
सर अब कितने फ्रेंडली है और एक वो खड़ूस डिसिप्लिन की औलाद, अगर मैं एक मिनट लेट हो गया चिल्लाना शुरू कौवे की तरह काव काव काव। वो सब छोड़ो, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? क्या? अरे होने वाले नेशनल गेम में खेसरिया का सिलेक्शन हो गया है। तो आपको क्या लगता है वो जीत जाएगा? विराट, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम भी दुश्मनी करते हैं दुश्मन की औकात देखकर, और वो तो मनुष्य से पीछा छूटल था। अब ते हाजरी जमा गया अकेले। रउआ की सब गलत फहमी अभी दूर हो जाए। पहले ली मुंह मीठा करी। कौन है खुशी मेरे? रउआ की अपन खून असली रंग दिखा देले बाजी चाची। जौने बेटा के रउआ मनहूस कहत रहनी, आज पूरा जिला जवार में अपने नाम के डंका बजवा देले बा। दीदी के जौन सपना रउआ पूरा ना कर सकनी ओके बबुआ पूरा करी। ओकरा के अपना ली, आपन आशीर्वाद दी। जीजा जी आपने आशीर्वाद दी। जाना था नहीं जीजा जी, रवा जितने बबुआ से नफरत करे नहीं, बबुआ उतने रवा से प्यार करेला। हमेशा रवा की कमी महसूस करेला, ओकरा के आपन आशीर्वाद दी जीजा जी। चुप! जीजा जी बबुआ के नाम अपने आप के सजा दे रहा बानी। होनहार बेटा के रहते ही विरान जैसन जिंदगी जी रहा बानी। ओहो, गांव नगर में बेइज्जत होने से मन नहीं भरा क्या? इतने बड़े लेवल पे बेइज्जत होने आ गया? मेरा छोड़, अपने लेवल पे ध्यान दे। भगवान शिव ने एक बार विष पिया था, लेकिन मैं बचपन से बेइज्जती का विष पीते आ रहा हूँ। मैं सह लूंगा, लेकिन तेरा लेवल गबड़ा गया ना तो तेरे मुंह में करीखा पोता आ जाएगा और तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिता दिया भगवान। ऑन योर मार्क ready ready go Viraj on Viraj Come on!
जीतना चाहिए था उसे। तुमने ये क्या किया खिसारी? जीती हुई बाजी हार गई तू। सॉरी सर। हमारा हक चुनरी आए लगला और हमारे आग के आगे अंधेरा अंधेरा छाए लगला। बहुत दिनों से तुम ठीक से सो नहीं पाए हो, शायद इस वजह से ऐसा हुआ। कोई बात नहीं सर, जिसकी आंखों में जीत का जुनून सवार, वो भला सो कैसे सकता है। कोई बात नहीं खेसारी, तुम अच्छा दौड़े और तुम्हारी इसी दौड़ के आधार पे मैं आगे सिलेक्शन कमेटी से बात करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? थैंक यू सर। एशियन गेम में विराट सिंह इंडिया को लीड करेगा, कंफर्म कर दिया जाए। खेसारी यादव के परफॉर्मेंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता सर, आपने देखा था ना, एक माइनर सी प्रॉब्लम की वजह से वो सेकंड रह गया। सर अब जो रह गया उसे रहने ही दिया जाए तो बेहतर होगा सर। नो सर, ये खेसारी जैसे ब्रिलियंट रनर के साथ नाइंसाफी होगा, मेरी तो यही राय है। बिल्कुल सर, खेसारी को मौका मिलना ही चाहिए, मेरी भी यही राय है। अब इतनी बड़ी कंट्री है सर, दो रनर इंडिया को रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। जी हमारा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया, ये सब आपका देन है सर, अब तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। जी इस बार हमें जीतना है। इला भागे ना साहब। थैंक यू। ठीक बा इला मामा, हीरो खातिर घी, घी पी के और तेज दौड़ियन। ठीक कह लियो तू। नमस्ते जी। नमस्ते, आप लोग कौन? जी हम लोग आजमगढ़ से आए हैं, हम लोगों ने एक क्षेत्रीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है, ये सभी हमारे कमेटी मेंबर्स हैं। सर हम सब चाहते हैं कि आप हमारी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में आएं और अपने हाथों से शुभारंभ करें ताकि हमारे युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग आजकल के नौजवानों के लिए प्रतियोगिता रखे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं सिल्वर भी जीता हूँ, गोल्ड भी जीता तो विराट सिंह है, आप लोग को उनके पास जाना चाहिए और उनको चीफ गेस्ट बनाना चाहिए। सर हम लोग उनके पास गए थे पर सर उन्होंने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। क्या आदेश है गुरुजी? तुम्हें जाना चाहिए खेसारी, याद है तुमसे एक दिन मैंने कहा था सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और ये उसकी पहली सीढ़ी है। तुम जाओ। जब गुरुजी का आदेश है तो मैं जरूर आऊंगा। आपकी फिल्म लौटेगी एक छोटे से। बैठा मामा। ये भागना। हाँ। फोन जा आगा ना। बैठा ते लुज मोशन शुरू हो गई। जा। बहुत जोर से लगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाँ मैं मामा जी को फोन कर देती हूँ। मामा कहाँ रह गए? अरे क्या बात है? ए बोलिए ना। ए क्या बात? अरे क्या बात है? पता है क्या बात है? अरे पता है क्या बात है? अरे पता ना एक बार तो बाहर आकर मत बोलिए। ए बोलिए ना।
डॉक्टर साहब। अरे इसका तो पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है सर, और कितना सारा खून बह चुका है। अगर समय पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये पूरा पैर काटना पड़ जाएगा। तिवारी बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका ऑपरेशन करने के लिए इसको बेहोश करना पड़ेगा, और हमारे हॉस्पिटल में ना तो बेहोशी का डॉक्टर है ना ही दवाई, तो इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो फिर क्या करें सर? एक काम करते हैं, इसको पटिया बांध के और ऐसे ही रेफर कर देते हैं। ठीक है, चलो। सर, हमारे साथ जो भी अनहोनी हुआ है पूरे होश आवास में हुआ, दर्द के आखिरी इंतहा से गुजरा हूं मैं, और आप तो हमारा जान बचाने के लिए पैर काट रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरा पैर उस आवास में काटा जाए। आज हम भी देखना चाहते हैं कि सिर्फ इंसान ही मरता है कि दर्द की भी मौत होती है। तिवारी, इसको ओटी में शिफ्ट करो अभी तुरंत। ले चलो। Yes. हमनी के सब प्लानिंग फेल हो गई। अरे के कहला क्यों पनौती है? ट्रेन के नीचे आइला के बाद भी बच गई। हम कहता नहीं पनौती है। वो कैसे? बिना टांग के जिंदगी कौन है काम के? आ, आ। भैया बोला अब हमारा रास्ता क्लियर। और बता बा, तुम बर्थडे में हम तुम्हारा के का दे का गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल का भेल के सारी का भेल? कुछ बोलत का ही नहीं का? पनौती बोल के भगाई भी ना, अब शायद लागत था कि हम कबो ना भाग पाए। के करे मत बा, जो तरह की भगाई के हाथ लगा के तो दिखाए, सबके मुंह नोच ले बाप। अब हम हमेशा तोरा साथ ही रहो, तोरा के ना छोड़ो अकेले कबू ना। पंडित जी आप प्रणाम। नहीं बेटा, आज हम तोहरा लगे आयल बनी एको बिनती लेके। इका करत नहीं रेवा, पाप लगा काम रखे। खेसारी, तू हमारी बेटी के जिंदगी के खुशी बन गए बड़ा हो का? ऐसा अवस्था में तू ओकरा के खुश रख सकेला ना रख सकेला? और ये बात हम अच्छी तरह से जानत हई, वो तोहरा के लकी माने ले,
लेकिन तू साचो में पनौती हुआ और ये बात तू अच्छी तरह से जाना था। कमजोर रिश्ता के डोर से जिंदगी का मजबूत बंधन के ना बांधल जा सकेला। हमार बेटी तुहार प्यार में पागल भी आ। और अगर तू ओके सच्चा प्यार करेला था तो ओकर भलाई का सोचा छोड़ द माया के। प्रेम का असली नाव त्याग, माया के छोड़ द। ऐसे हमारी इज्जत भी बचल रही और माया का जिंदगी बर्बाद होके से बच जाई। पंडित जी, हमरो इज्जत से खाली प्रेम ही ना, अरे हम तो ओकर पूजा भी करी ले। रुआ निश्चिंत रही, हम जानत था नहीं। अरे कटल पेड़ पता चिड़िया भी घोसला न लगा ले, तो इंसान कैसे लगाए। धन्यवाद। कैसे हो खेसारी? ठीक है सर। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें थी खेसारी। हम तुम्हारे जरिए पुराने धावकों का इतिहास बदलना चाहते थे, तुम्हें देश का रतन बनाना चाहते थे। लेकिन तुम्हारे पैर कट गए, जैसे हमारे अरमानों के पंख काट दिए गए। माया, अब इसे हमारी जरूरत नहीं, इसे तुम्हारी जरूरत है। इसका ख्याल रखना। हम बानी ना खिसारी, हम तुम्हारे साथ कब्बो ना छोड़ो। हम खाना ले क्या बतानी। ताहर बैसाखी हम बन के रहब हमेशा। कोच का कह गए कि हमके तोहार जरूरत बा, तू कहत रहो कि बैसाखी के जरूरत बा। आखिर पूरा जोन हमके दूसरा के सहारे जिए के परी। ऐसे काहे कहत रह, हम के हो और नहीं की, दूसर नहीं की। हम तो तरह से प्यार करे नहीं। लेकिन हम तो से प्यार ना करी ले। प्यार ना करी ले तब इतना दिन से वो सब का रहल। वो प्यार ना, अपन पनौती उतारे खातिर प्यार के नाटक कैले रहनी। लेकिन पनौती उतरे के बजाय और चढ़ गई। आज हम आप तक हो गए नी। तू हमरा से प्यार न करेला, झूठ बोले तारा तू। हम तो से प्यार ना करी ले, तू जा यहाँ से। तू हमरा से प्यार ना करेला, बाकी हम तो तारा से प्यार करे था नहीं। और करत रहब, और वही अधिकार से तोरा साथे रहब। तू अगर ठीक रहता तो शायद हम चल जाती, बाकी ये हालत में तोरा के छोड़ के जाए तो अपना आप की कभी माफ ना कर पाए। यही एहसान और दिलासा के बोझ तले एक ने हमारे दम घुट जाई। तू कहत रहो हम से प्यार करे लू तो वही प्यार के वास्ता बत हो के तू हमारे जिंदगी से दूर हो जा, हमारे नजर से दूर हो जा। अगर तू ना गेलू ना तजिए के तछोड़ था ओ से पहले हम। इससे आगे कुछ मत बोलो। तू ये चाहता रहा ना कि हम तोरा से दूर चल जाए। तोरा खुशी और भलाई खातिर हम यो करो, कहे कि प्यार स्वार्थी ना होला।
प्यार तो चाहे वाला की खुशी चाहे ला तो मैं खुश पड़ा ना कि हम तोरा के छोड़ के चल जाए ठीक बा चल जाए बाप बाकी जाए से पहले हमारे हाथ से एक गुर खाना खा लो से ब्रेक के बाद और वॉइस टेलीविजन प्रेम बुला दूंगा उसे ए! कौन है रे पागल लाइट बंद कर उजाले से मुझे नफरत है क्यों उजाले से नफरत क्यों है आपको क्योंकि आज से 24 साल पहले मेरी किस्मत का दिया बुझ गया था और मेरी जिंदगी में अंधेरा पसर गया अब अंधेरा ही मेरी किस्मत है मैं और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिस दिन आपकी जिंदगी का दिया बुझा था उसी दिन आपकी जिंदगी में उम्मीद का एक सूरज भी उगा था लेकिन दिए के बुझने के वियोग में आपने उस सूरज को नजरअंदाज कर दिया उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया मेरे अतीत को इतने करीब से कैसे जानती हो कौन हो तुम मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे मैं आपके अतीत को भी जानती हूँ और आपका भविष्य भी देख रही हूँ ये पहेलियां मत बुझा वैसे भी शराब कभी कभी चढ़ती है रास्ता छोड़ कैसी विडंबना है बेटा अपनी जिंदगी की उधेड़ बुन से जूझ रहा है और बाप दारू के नशे में धुत है चुप वो मेरा बेटा नहीं है पनौती है वो मनहूस सही कहा आपने पनौती ही है वो तभी तो एक पैर कट जाने के बाद भी जिंदा है आज के दिन तो हर साल वो आता था ना आपसे मिलने आज क्यों नहीं आया कभी सोचा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए फर्क पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ आपका ही बेटा नहीं आपकी पत्नी का भी तो अंश है ना आपको क्या लगता है आपकी पत्नी की आत्मा को शांति मिलती होगी जब आप उसे मनहूस और पनौती बोलकर अपने आप से दूर करते होंगे मैं भी एक औरत हूँ इसीलिए ये कह पा रही हूँ मैं खिसारी की जिंदगी का उजाला बनकर गई थी लेकिन उसने मुझे भी अपने आप से दूर कर दिया क्योंकि उसे भी आपकी तरह अंधेरे में रहना है आखिर आप ही का खून है ना अब सगुन तू हमरा सेठ से भिखारी बना दे
का रे पपिया अभी ले जिंदा बरते देख तोरा कारण हमारा बेटा का बियाह ना भइल जो जाके कहीं नार कुआं में डूब के मर जो पनौती कहीं का मनोज पनौती हमारे सपना के बर्बाद करके हमारा के भिखारी बना के ये अमेले ये नवाले छात्र है रे पगला बाबूजी यही गले लागे खाती कितना दिन से तरसत नहीं अगर एक सेकंड लेट कर दी थी ना रुआ से तो हमारे गले लग लग के सपना अधूरा रह जाए हमरा के माफ कर दिया बाबू आज अगर हमार बेटा जिंदा बा इतना सब कुछ महिला के बाद भी हमार बेटा मनहूस रही के जरूर तारा में कोनो खास बात बा भगवान तारा के कोनो खास मकसद खातिर भेजले बाड़े का करी बाबू हमरा आँख पर अंधविश्वास के पट्टी चल रहे हमरा के माफ कर दो भौजी ई का करत नी बाप बेटा के सामने हाथ जोड़े ला ना अरे उता आशीर्वाद देवे खाती हाथ उठावे ला खुश रहा बापू खाली तोहरा के हमारा आशीर्वाद ना जिंदगी के हर कदम पर तोहार साथ दे तबे तारा माई के आत्मा के शांति मिले हमार प्रायश्चित हो बाबू तारा जूता बहुत पसंद रहे नो अभी तो रखा बाबूजी अभी जूता हमारा कौन काम के बा कौन काम के निके अब तो हर सपना हमार सपना बा अरे सपना जरूर पूरा होई तुम्हारे केस को स्टडी करने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं यू आर अ वेरी लकी बॉय नहीं सर अगर मैं लकी होता तो ये हादसे मेरे साथ नहीं होते अब देखो जो हुआ सो हुआ लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं जो तुम्हें नकली पैर दूंगा उसके सहारे तुम सिर्फ चलोगे नहीं दौड़ोगे भी डॉक्टर साहब मेरे बेटे का मकसद सिर्फ देश के लिए दौड़ना ही है लेकिन डॉक्टर आप जो पैर लगाएंगे वो घुटने तक होगा अरे वो गए जमाने की बात है अभी जो पैर इसको मैं लगाऊंगा
उसके ऊपर वो सॉक्स पहनेगा तो दोनों पैर एक जैसे दिखेंगे। सच में डॉक्टर साहब? यस। बस शुरू के कुछ दिनों तकलीफ होगा, उसके बाद तुम चाहे जितना दौड़ो। डॉक्टर साहब, मैं खुद के लिए नहीं दौड़ना चाहता, मैं तो इस देश के लिए दौड़ना चाहता हूँ, उन तमाम विकलांगों के हौसले के लिए दौड़ना चाहता हूँ। देखो बेटा, इस तरह के कारनामे तो पहले भी बहुत हुए हैं, और मैं भी चाहूंगा कि इतिहास में तुम्हारा भी नाम दर्ज हो। और एक बात, दौड़ से पैरों से नहीं हौसलों से होता है, अपनी हौसला को बुलंद करो, कामयाबी एक दिन तुम्हारी कदम चूमेगी। एक काम कीजिए, कल आप लोग आइए, कल मैं इनको पैर लगा देता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। केसारी, केसारी, ये इडियट अभी तक सोया हुआ है। केसारी गेट अप, केसारी, केसारी गेट अप, वार्म अप का टाइम हो गया है। ये ऐसे नहीं मानेगा। पानी, गेट अप, ऐसे मेरा सपना पूरा करोगे? ऐसे गोल्ड मेडल जीतोगे तुम? इतना आलसपन से? वार्म अप का टाइम हुआ है, उठो। जी। अरे भैया जी, ये को बैड न्यूज बा। का भइल? तोर बाप मर गइले? अरे ना भैया जी, केसारी के बाप आइल बा, और वो ओकरे के दौड़े के प्रैक्टिस करवावता। अबे घोचू दास, ओकर बाप का, ओकर दादा पर दादा भी आ जाई हैं, तब वो अपंग दौड़ ना पाई। जज्बातों की लकीरों को समझ, उम्मीद के धागे, तेरी मंजिल से दो कदम, तेरा रास्ता हो आगे, तेरे खून की उबालों की किस्मत हाथों में है, तेरी है पैरों में, चल तू पार। जिल्लत में जिएगा कब तक, कब तक किस गुर्बत में, चल तू पार। रफ्तार में थाम लगा के, बिजली की तार छुआ के, सीने में भर कर आग आग चल। चलते हुए अंगारों से तुझे लड़ना है प्यारे, न उम्मीदों की दीवारों से, न दलिया न सहरा, न चलते हुए अंगारों से तुझे लड़ना है प्यारे, न उम्मीदों की दीवारों से। क्या नींद को पकड़े तो जाग जाग चल, भाग खेसारी भाग।
जगा कर दो इतना भरे भरे तहर के जगाए लाल बनी तू जगावे आल बड़ू जगावे ला नियत नीखे लागत बलात्कारी वाला लागता ओ तो हकबे करी हम तो राहुके वाली मेहरारू जो है अच्छा माने चोरनी बिलाई खनी गाल काट चातर हुआ होखे वाली मेहरारू हऊ बाबूजी रोज पानी फेंके जगावे लन ओ बड़ा नीक लागेला नीक लागता ई हो चार बज गल दौड़े जाके परी और बताओ खेसारी पैर लगाने के बाद कैसा फील कर रहे हो अभी सर ऐसे तो ठीक है लेकिन दौड़ने पे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है डोंट वरी इसका भी इलाज है मेरे पास सर इसे पैर दर्द में काम आता है कि सर दर्द में भी ले सकते हैं बिल्कुल सर दर्द में भी बहुत असरदार है थैंक यू सर 294 25 26 7 8 9 10 301 क्या हुआ प्यास लगल बा अभी नहीं अभी 100 और उसके बाद पानी मिलेगा नाउ स्टार्ट फास्ट 3 100 कंप्लीट करो मैं आता हूं फीस लगी का आराम से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मिस्टर प्रताप आप खुद भूतपूर्व धावक रह चुके हैं हाँ ये बात अलग है डोपिंग टेस्ट में आपका गोल्ड मेडल छीन लिया गया था लेकिन एक बात आप भूल गए मिस्टर विक्रम कि बाद में AFI एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुझे निर्दोष पाया था ये किस टॉपिक पे बहस करने लगे आप लोग मुद्दे पे आइए प्रताप जी अगर आपको अपने बेटे को दौड़ाना ही है तो फिर पैरा एशियन में दौड़ाइए हम एग्री हैं माफ कीजिएगा सर मैं अपने बेटे को विकलांगों की श्रेणी में नहीं दौड़ाना चाहता वो एशियन में ही दौड़ेगा सामान्य श्रेणी में सर ये महानुभाव तो ईगो में आ गए ये ईगो नहीं है मिस्टर विक्रम ये मेरा कॉन्फिडेंस है लेकिन प्रताप जी आपका बेटा तो अपा वो एशियन में कैसे दौड़ सकता है सर अपान शरीर से होता है दिमाग से नहीं और मेरा बेटा दिमागी रूप से चुस्त और तंदुरुस्त है मिस्टर प्रताप आई एम सॉरी पर हम एसोसिएशन के रूल तो बदल नहीं सकते माफ कीजिएगा सर जब रूल बदलते हैं तभी इतिहास बनता है अच्छा तो आपको लगता है आपका बेटा इतिहास बनाएगा ये तो मेरा बेटा आपको जवाब देगा मिस्टर विक्रम लेकिन आपके लिए एक मुफ्त में सलाह है मेरी कि बीपी की गोली अपने साथ रखिएगा शायद आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है जेंटलमैन आप सबको एक चीज दिखाना चाहता हूं प्लीज गौर फरमाइए मिस्टर यान कार्डोजो अ मिलिट्री मैन इनका एक पैर ब्लास्ट में उड़ गया था अपाइज होने के बाद भी ये मेजर जनरल बने दूसरा अर्णिमा सिन्हा एक पैर कट जाने के बाद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया तीसरा मिस्टर ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस इनके तो दोनों पैर नहीं है इसके बावजूद ये ओलंपिक में दौड़ते थे तो सर मेरे बेटे का तो सिर्फ एक पैर कटा है तो वो ओलंपिक में क्यों नहीं दौड़ सकता लेकिन सर आपने जिन महान लोगों के उदाहरण दिए हैं वो सभी अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं मेरा बेटा भी अपने आप को साबित करेगा सर आप लोग उसका जिस तरह से चाहें उस तरह से टेस्ट ले सकते हैं और बात मेरे बेटे की नहीं है हमारी आने वाली पीढ़ी की है जब उसके पास हौसले और हिम्मत की कमी नहीं है वो अपने विकलांगता को अभिशाप नहीं मानता तो हमें तो उसका सपोर्ट करना चाहिए अपोज नहीं वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बनेगा और आने वाली पीढ़ी विकलांगता को अभिशाप नहीं मानेगी वो अपने हौसले और हिम्मत से हर मंजिल को फतह करेगी तो क्या हमें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए बाकी आप लोगों की मर्जी सर ओके
थैंक यू सर। झाल की फिल्म लौटेगी एक छोटे से ब्रेक। सर आपका बेटा सिलेक्ट किया जाता है। गॉट टू रिजल्ट सर। थैंक यू। ओके यस। हो गया सिलेक्शन, इतिहास बनाओगे? तुम यहाँ बैठ के दारू पी रहे हो और हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, वो नकली पैर के सहारे उतना ही तेज दौड़ रहा है जितना वो असली पैर के सहारे दौड़ता था। आप भी क्या मजाक करते हैं? वो एशियन में दौड़ेगा, कमाल है। रघुआ उग्र से डरा था नहीं, मतलब कि मामला गंभीर बा। हाँ भाई साहब, पता नहीं उसके अंदर कहां से इतना हौसला आ जाता है। अरे तो तेहूं दौड़ना कसके। अरे भैया आप कितना दौड़ी आए, ऐसे ज्यादा दौड़ो तो हम छाती बाहर निकल जाए। और वैसे भी समय कहां बचल बा, हमरा के तलाता कुछ ना कुछ दिमाग लगा के पड़ी, कुछ ना कुछ सोच के पड़ी। कौनो न कौनो कर कमजोरी जरूर हुई रे। जी मालिक। ओकरे कमजोरी के पता कर फिर सोचल जाए कि ओकरा संगे का करे के बाद। खाली दौड़ला से तू रेस ना जीत पाएगा, बास्केटबॉल से एकाग्रता बढ़ी अतार पंजा आ जंघा मजबूत हुई, आ दौड़ खातिर दोनों बहुत जरूरी होला। चलो प्रैक्टिस करो, रेडी फास्ट 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 कम ऑन फास्ट फास्ट चला स्पीड बढ़ाओ फास्ट। कब आई? एक मिनट, आराम आराम से आराम से। बैठो 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 बैठो, पैर सीधा करो, बी स्ट्रॉन्ग, हल्का सा बस निकलवा। अरे का पहन क्या गलो हमारा सामने, हटा जल्दी। का बुराई भाई ड्रेस में? अरे कलर सन के प्रॉब्लम बा, आज चोरियाला हमार, हटा जल्दी। बाबूजी लगातार नेशनल गेम में भी यही भेल रहे, यही खातिर ही सेकंड आई। हटाई जल्दी हटाई, ये कौन रंग ले आयल बानी? हम समझ गए, तरह माई की तरह तरह भी क्रोमोफोबिया बीमारी बा, लेकिन तू चिंता मत करो, एक उपाय बा हमरा पास, प्रैक्टिस करे पड़ी, बी स्ट्रॉन्ग। चलो देखो नुकसान ना हो कि चाहिए कुछ करो, समझ गई? मुबारक हो मालिक। हाँ। खेसरिया कमजोरी पता चल गई, ओकर नारंगी रंग से आंख चौंधिया जला मालिक। अच्छा तो के क्रोमोफोबिया की बीमारी बा? जी मालिक। ओकरा जिंदगी में सैड मोड ले आवे खातिर बैड कलर के व्यवस्था कर ही के पड़ी। भैया कुछ भी करा पर याद रहे गोल्ड मेडल हमारे के मिले के चाहिए। बाबूजी कल के रिस्क लेके चिंता है बनी का। बाबू है आकाश में लाखों करोड़ों तारा के चमक देखता रहो, हमनी से इतना दूर होके भी एकर चमक भी का निखे पड़त। हम चाहता नहीं कि काल तार चमक पूरा दुनिया देखे। बाबूजी वक्त अभी तक ले खाली हमके खींच लेबा, कल चमके के भी मौका दी। चली सुते चली आओ।
दिल से याद कर लीजिए अपने खुदा को, शायद इस घड़ी में वही कुछ करिश्मा कर जाए, क्योंकि आप तो सुभान अल्लाह। आप पाकिस्तानी हैं? बिल्कुल सही पहचाना जनाब आपने, पिछले एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट मुक्ति मोहम्मद हैं हम। हम हिंदुस्तानियों में पहचानने की सबसे बड़ी आदत है कि जिसे हम ठीक से पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, और जिसे नजरों पे चढ़ा लेते हैं ना, वो दोबारा कहीं नजर नहीं आता। हम धमकियों पर नहीं, धमाकों पर एतबार करते हैं जनाब। अरे मियां, एतबार ही करना है ना, तो इंसानियत पे करो। धमाकों और मजहब में मुल्क का नहीं, इंसानों की चिथरे उठते हैं। क्या करें, जीतने का नशा है हम में। इस बार आपका नशा उतर जाएगा, अब कौवे की तरह काव काव करना बंद करिए, जाइए अपना काम करिए। सुन वे, हम कौवा नहीं बास हैं। गोल्ड मेडल यानी तेरे देश की सोने की चिड़िया हम अपने पैरों में दबोच कर ले जाएंगे। अंग्रेजों के कचड़ में फेंके हुए सपने अब तुम लोग देखने लगे, मत देखो वरना अंधे हो जाओगे। अरे अंग्रेजों की औकात नहीं हुई हमारी सोने की चिड़िया ले जाने की, तो तुम तो किसी लायक नहीं हो, और तुम्हारी हैसियत नहीं है किसी हिंदुस्तानी के सामने से एक बाल तक उखाड़ने की। मैदान में उतर, हमारी कितनी हैसियत है और कितनी औकात है पता चल जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है, अरे तुम लोग के बारे में पूरी दुनिया जानती है। और सुन, हमारा भारत सोने का चिड़िया था, है और रहेगा, लेकिन तुम्हारा पाकिस्तान पहले दोगला था, आज मौगा हो गया है। अपनी जुबान को लगाम दे वरना। जुबान पे लगाम तो आपको लगाना है जनाब, मेरे हौसले तो बे लगाम है। मिलते हैं फिर। सिर्फ अपने इंटरेस्ट की चीज इस ऐप में आप हैं। ए चाचा, बात सुना, परफेक्ट इंतजाम कहले बड़ा कि नहीं। अरे मर्दे टेंशन काहे ले तरह, पूरा परफेक्ट इंतजाम भइल बा। अरे तो मजबूत खबर हो, हिंदुस्तान की तरफ से शिरकत कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। विराट कुमार पाकिस्तान के तरफ से पिछले बार के विजेता मुक्ति मोहम्मद, साउथ कोरिया के जेंशु, मलेशिया की तरफ से अजीम मोहम्मद और जापान की तरफ से तोमियो रोली। श्रीलंका की तरफ से रिंसल डिसिल्वा। ये सभी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ धावक हैं। देखते हैं कि इस बार के एशियन गेम में कोई नया रिकॉर्ड बनता है, कोई नया धावक सामने आता है, कि पाकिस्तान के वही पुराने धावक मुक्ति मोहम्मद विजेता बनते हैं। सारे खिलाड़ियों की नजर बाज की तरह गोल्ड मेडल के ऊपर है, कि देखना ये है कि इस बार का विजेता कौन होता है। सारे प्रतियोगी धावक मार्ग पे तैयार, बस चंद ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है बहुत ही रोमांचक 100 मीटर हर्डल रेस। ऑन योर मार्क। सारे खिलाड़ियों ने अपना स्टंट ले लिया है, सब कोई अपने स्टैंड में रेडी हो चुके हैं, और कुछ ही देर में एक रोमांचक मुकाबला शुरू हो जाएगा। और शुरू हो चुका है ये रोमांचक मुकाबला, बहुत ही शानदार रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है। सारे खिलाड़ी भागते हुए और हिंदुस्तान से खेसारी लाल यादव आगे लीड करते हुए, पूरा का पूरा स्टेडियम खेसारी के नाम से गूंज उठा है, और गूंजे भी क्यों नहीं, क्योंकि हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए खेसारी लाल यादव सबको पीछे पछाड़ते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। श्रीलंका, मलेशिया और जापान के धावक काफी पीछे। अब मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नजर आ रहा है। पाकिस्तानी धावक भी खेसारी के ठीक पीछे। खेसारी लाल यादव की रफ्तार बता रही है कि इस एशियन मुकाबला में कोई नया रिकॉर्ड कायम होने वाला है। और ये क्या, खेसारी लाल यादव ने अपनी आंखें बंद कर ली है। कॉन्सेंट्रेट। जब तुम रेस में दौड़ना तो स्टेडियम में अगर कोई भी ऑरेंज कलर दिखे और तुम्हारी आंखें चौंधिया कर बंद हो जाए तो तुम्हें आंख बंद करके दौड़ना है और 6 स्टेप के बाद 7वें स्टेप पे जंप मारना है। और ये क्या, खेसारी लाल यादव ने अपनी आंखें बंद कर ली है और आंखें बंद किए हुए अपने आखिरी हर्डल की ओर दौड़ते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं।
नो। जैसे धनुष से तोड़े अर्जुन जैसे बाण से छोड़े कर ले तू भी काम जैसा दुनिया तेरा नाम ले दौड़े समय बाकी है। बहुत ही कांटे की टक्कर रही। अब देखना होगा कि विनिंग लाइन को सबसे पहले किसने टच किया। सो वी मूव टू द रिप्ले टीम। हे भगवान न्याय करिया। और इस एशियन गेम्स में खेसारी लाल यादव ने रचा एक नया इतिहास। 100 मीटर हर्डल रेस में विजेता माने खेसारी लाल यादव। Proud of you, my son. ना करने वालों के लिए हर रास्ते बंद होते हैं। जीत उन्हीं की होती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। आपकी चेहरे की चमक ही बता रही है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमेशा बच्चे गलत नहीं होते। कभी कभी माँ बाप से भी भूल हो जाती है। मैंने खुद अपने बच्चे को जब मनहूस मान लिया तो पूरी दुनिया ने मनहूस मान लिया। और जब मैंने उसी बच्चे को प्यार देना शुरू किया तो एक पैर ना होने के बावजूद भी उसने इतिहास रच दिया। और आज अपने बच्चे पर मुझे गर्व है। और आज मैं पूरी दुनिया के सामने अपने बच्चे से माफी मांगता हूं कि पहले मैंने उसकी काबिलियत को नहीं समझा और उसके हौसले को नहीं बढ़ाया। अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है और यही दरख्वास्त मैं सबसे करता हूँ। न तलिया न सहरा न चलते हुए अंगारों से तुझे लड़ना है प्यारे न उम्मीदों की दीवारों से।